ड्यूटी पर मारे गए सैनिकों के बच्चों को अब फिर से पूर्ण अध्ययन फंड मिल सकता है। बांग्लादेश युद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों के परिवारों के सम्मान के रूप में 1971 में शुरू की गई इस योजना से 2, 6, 9, 7 छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार ने सैनिकों के बच्चों को शिक्षा प्रतिपूर्ति पर सीमाएं रद्द करने का निर्णय लिया है, जो कर्तव्य की स्थिति में मारे गए या अक्षम हैं। एक ऐसा कदम है जो सशस्त्र बलों के समुदाय से विरोध प्रदर्शन कर रहा था। पिछले साल तक इस योजना से 2679 छात्र लाभान्वित हो रहे थे। रुपए 7वें वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित अध्ययन फंडों के लिए प्रति माह 10,000 रुपए। नौसेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री से इस आदेश को वापस लेने के लिए अनुरोध किया था। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने रुपए को उठाने का नोटिस भेजा है। 10,000 सीमा सैनिकों के बच्चों को कार्रवाई में मारे गए जो गुम या विकलांग थे, उन्हें पहले ट्यूशन फीस, छात्रावास शुल्क, पुस्तकों की लागत, वर्दी और कपड़े की लागत का पूरा भुगतान किया गया था। जुलाई 2017 में सरकार ने धनराशि को रुपए तक सीमित कर दिया था, 10,000। पिछले साल तक 2679 छात्र इस योजना से लाभान्वित हो रहे थे, जो 1971 में बांग्लादेश युद्ध में मारे गए सैनिकों के परिवारों के सम्मान के रूप में पेश किया गया था। इन छात्रों में 1,9,3 छात्र प्रति माह 10,000 रुपए, जो कि 7वें वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित ओपी है, अपने स्कूल के 1,9,3 छात्रों और हॉस्टल फीस से अधिक रुपए से इनकार करते हुए प्रति माह 10,000 रुपए। सरकार ने सिर्फ रुपए बचाया, पिछले वित्तीय वर्ष में 3.2 करोड़। पिछले दिसंबर में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लानाबा ने कहा था कि शिक्षा अनुदान एक छोटा इशारा है जो हमारे बहादुर महिलाओं और पुरुषों के परिवार को आश्वस्त करेगा कि राष्ट्र उनकी परवाह करता है और उनके बलिदान वास्तव में है। सरकार द्वारा सराहना की, इन कर्मियों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया है और अपने वार्डों के लिए शैक्षिकी रियायतें का प्रावधान देश की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पहचानने के लिए एक छोटा सा संकेत है। वर्तमान में 3 सेवा प्रमुखों में सबसे वरिष्ठ अधिकारी एडमिरल लांबा ने रक्षा मंत्री के अनुरोध पर लिखा था।